भाई साहब का स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले धनी सर्विसेज लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए 20 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 2.5% के करीबन की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के 1 सप्ताह के अंदर इस स्टॉक में 12% की गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं 1 महीने में 1.5% की गिरावट, परंतु पीछे के 3 महीने के अंदर इस स्टॉक में 19% की तेजी देखने को मिली है, 6 महीने में 39%, परंतु 1 साल के अंदर इस स्टॉक में 25% के गिरावट की देखने को मिल रही है। तो आप देखें तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक में बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, परंतु पीछे के 3 महीने में से स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक डबल टॉप बॉटम बना 49 रुपीज के इस स्टॉक में एक डबल टॉप बॉटम बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। जहां पर स्टॉक का नीचे के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था 43 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। जैसे स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक डाउन दिया, स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 38 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 49 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।